नमस्कार दोस्तों, हकीन कुरेश सॉफ्टटेक की प्रोग्रामिंग अप्रोच में मैं जी कृष्णा चौहान आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किन्हीं तीन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। आज के टॉपिक पर बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, और आपको पता होना चाहिए डेटा टाइप क्या होता है और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको ऑपरेटर एंड इट्स टाइप टॉपिक भी क्लियर होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और डिटेल्ड नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पर जाकर भी इनको पढ़ सकते हैं, जिससे कि आज का टॉपिक और आज के जो लेक्चर है वो आपको 100% समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम तीन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले अपने को वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और उसके बाद मेन फंक्शन लगाना होगा। मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल ले लिए हैं, लोकल वेरिएबल ए बी और सी, जिसमें वैल्यू स्टोर करा दी है 2, 6 और 3, और उसके साथ साथ एक ब्लैंक ले लिया है डी नाम से वेरिएबल, जिसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कराई है, और फॉर्मूला अप्लाई करा है ए मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रिंट करा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज परसेंटाइल डी कॉमा सी, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ गेट सी एच, तो क्या होता है आइए देखते हैं कंपाइल और रन करके। तो अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखिए कोई एरर नहीं है, और रन करता हूँ तो आंसर दिखा रहा है 12। यानी कि जो मैंने दो वैल्यूज़ ली हुई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 6, तो 6 × 2 = 12, ये हमको दो वैल्यू का ही मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में दो ही वेरिएबल्स लिए हैं। और अगर मैं यहाँ पर तीसरा वेरिएबल भी ले लेता हूँ इस तरह से, और उसके बाद इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, तो देखिए आंसर दिखाने लगा 36, दैट इज 6 × 2 × 3। ठीक है, और अगर बात करते हैं फ्लोट की, तो फ्लोट ए इक्वल टू, मैं अगर कोई डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ, बी इक्वल टू बी कोई इस तरह सी वैल्यू ले लेता हूँ, सी यूँ ही छोड़ देता हूँ, इसको ट्रीट कर लेगा 3.00, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ मैं, डी में। तो जब डी में स्टोर करा रहा हूँ तो हमारे यहाँ पर तो सी ही लिखा हुआ है, तो इसको भी चेंज करना होगा। ठीक है, अब इसे कंपाइल करा के देखते हैं जो भी हमने चेंजेस करे हैं प्रोग्राम में। इसमें एक और छोटी सी एरर रह गई, यहाँ पर भी अपने को डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ए बी और सी की मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी डी में स्टोर हो रही है। ठीक है, वही डी यहाँ पर है और इससे रिप्लेस होगा। तो करते हैं कंपाइल, देखिए कंपाइल करने पर कोई एरर नहीं थी, और रन करते हैं, देखिए रन करने पर दिखा रहा है मल्टीप्लिकेशन इज 0, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा हुआ था इंटीजर का, अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा किसका, फ्लोट का। तो रन करते हैं और देखिए 74.879997, तो यह था हमारा प्रोग्राम मल्टीप्लिकेशन का। सो गाइज, हमने इस मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में दो डेटा टाइप्स का यूज़ करके आपको डिस्प्ले किया रिजल्ट, और दोनों डेटा टाइप हमारे इंटीजर और फ्लोट थे। इंटीजर का यूज़ करने से किस तरह से काम होता है, फ्लोट का यूज़ करने से किस तरह से काम होता है, और किस तरह से फार्मूला चेंज करते हैं। अगर फार्मूला चेंज किया है तो जिसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वही हमको प्रिंटिंग के लिए देना होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भाई अगर हम परसेंटाइल डी की जगह परसेंटाइल एफ यूज़ करते हैं, या फिर एफ़ की जगह अगर हम डी यूज़ कर लेते हैं, तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं हमारे आउटपुट में। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। आशा करते हैं आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी सारी इसमें वैल्यूबल थिंग्स हमने शेयर की आपके साथ,
और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, लाइक कीजिए, एंड दिस चैनल इज़ न्यू सो प्लीज़ सपोर्ट अस। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिससे कि वो भी इसी प्रोग्राम सीख सकें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ मी जी कृष्णा चौहान एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।